सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक हंटर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप वीडियो देख सकें सबसे पहले। हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मैं हूं अंकित। तो गाइस, आज बात करने वाला हूं मैं 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जो आप ले सकते हैं 15,000 के अंदर के बजट में। तो गाइस, ये सभी स्मार्टफोन्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स को अभी मई में ही लॉन्च हुए हैं, तो इन पाँचों स्मार्टफोन्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा ZenFone Max Pro M1 के बारे में। तो ये फ़ोन अभी आपने देखा मई में ही इसको रिलीज़ किया गया है और ये फ़ोन सीधा कम्पीट करता है Redmi Note 5 Pro को। तो इस फ़ोन में क्या खासियत आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें अंदर सबसे पहले आपको 6 इंच की स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो उसके अंदर भी आपको सेम ऐसे डिज़ाइन देखने को मिलता है जैसे नॉर्मल हमें मिड रेंज फोन्स में देखे हैं, 2.5D कर्व ग्लास के साथ। यहाँ पे आपको मेटल फ्रेम देखने को मिल जाता है और साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 18:9 की। आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं 15,000 तक के बजट में, आपको मोस्टली सब में 18:9 की डिस्प्ले देखने को मिल ही जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कवर कर लेता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उसके हार्डवेयर के बारे में। तो इस फोन में भी आपको देखने को मिल जाता है जो है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर। 5G चिपसेट है, काफ़ी रिलायबल यहाँ पे चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा फोन आपको ओवरहीट नहीं करता और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस, लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ उसके बैटरी के बारे में, तो सबसे प्लस पॉइंट इसका यह है कि यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी। यानी कि 5000 mAh की बैटरी आपका 2 दिन ईजिली आपको बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी कि 2 दिन का बैटरी बैकअप ईजिली आप इस फोन से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है 13+5 MP का। फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है 8 MP का। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल फीचर्स देखने को मिल जाती है जैसे कि जियो टैगिंग, टच फोकस, फेस डिटेक्शन, HDR, पैनोरामा मोड, फेस अनलॉक, ये सभी फीचर्स के अंदर इनबिल्ड आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं, 3GB RAM का और 4GB RAM का। तो मैं बात करता हूँ 3GB RAM का जो वेरिएंट है उसकी कीमत है 11,000 रुपये और जो 4GB वाला वेरिएंट है वो मिल जाता है आपको 13,000 रुपये में। गाइस, अगर आप हाई एंड गेम्स भी ज़्यादा खेलते हैं तो अगर आप अपने फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये फोन आपके लिए काफ़ी बेहतर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी। हालांकि इसका जो कैमरा है इतना एडवांस नहीं है, ये कम्पीट नहीं कर सकता है रेडमी नोट 5 प्रो को, बट फिर भी आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो जो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है उसके अंदर आपको सबसे अच्छा ऑप्शन ये मिलता है कि आप दोनों सिम एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं और मेमोरी कार्ड को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं और साथ में ही आप अपना मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे एंटर करके अपने स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फोन के बारे में बात करने वाला हूँ जो है Redmi Note 5 Pro। Redmi Note 5 Pro में भी 2 वेरिएंट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, 4GB 6GB RAM का वेरिएंट। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ 4GB RAM का वेरिएंट के बारे में, जिसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी 15,000 रुपये, जिसके अंदर आपको 4GB RAM का वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक। यहाँ पे आपको मिलता है 5.9 इंच फुल HD डिस्प्ले, साथ में आपको 12+5 MP का यहाँ पर ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है और प्लस आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है 20 MP का। यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है 4000 mAh की। चिपसेट आपको मिलता है काफ़ी एडवांस जो है 625 से थोड़ा ऊपर, जो है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर। अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं 15,000 से नीचे के बजट में या फिर 15,000 तक के बजट में, तो आप जा सकते हैं Redmi Note 5 Pro के बारे में, क्योंकि इसका जो कैमरा है काफ़ी एडवांस लेवल का कैमरा है और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट्स देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो गाइस, नेक्स्ट फोन है हमारी लिस्ट में जो है Honor 9 Lite। Honor 9 Lite काफ़ी ज़्यादा फ़ोन सेल किया है Honor ने और ये काफ़ी एक बजट डिवाइस है, मिड रेंज में काफ़ी अच्छी यहाँ पे कीमत इसकी देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर भी आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 4GB और 3GB RAM का वेरिएंट। 3GB वाले वेरिएंट के लिए आपको देने पड़ेंगे 11,000 रुपये और 4GB वाले वेरिएंट के लिए आपको देना पड़ेगा 15,000 रुपये, जिसके अंदर आपको 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है 11,000 वाले वेरिएंट में और 15,000 वाले वेरिएंट में आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है 64GB का और आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक। तो यहाँ पे जो स्क्रीन मिलती है आपको 5.65 इंच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको 13+2 MP का ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रंट में भी आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है 13+2 MP का। यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी और चिपसेट आपको मिलता है इसके अंदर Kirin 659। तो 659 जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा कम्पीट करता है स्नैपड्रैगन के 625 को। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था Honor 7X में भी आपको 659 चिपसेट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको सेम फीचर्स देखने को मिलती है, फेस अनलॉकिंग का, राइड मोड का, तो ये सभी फीचर्स आपको इस फोन में मिल जाएगी। तो ये बजट ओरिएंटेड डिवाइस है, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर आपका बजट है 15,000 तक का तो आप इस फोन के साथ भी दोस्तों जा सकते हैं।
तो गाइस नेक्स्ट फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ जो है ओप्पो रियल मी वन। तो ओप्पो रियल मी वन फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे सबसे पहली बात इस फ़ोन की ये है कि इसका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा कम है। दोनों ही वेरिएंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहला वेरिएंट आता है 3 GB रैम के साथ जिसमें 32 GB इंटरनल मिलता है 8,990 रुपये का। दूसरा है 6 GB रैम और 128 GB का आपको रोम मिलती है जिसकी कीमत है 13,990 रुपये, लगभग 14,000 रुपये। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देख पाएंगे कि यहाँ पर प्राइस काफ़ी इस फ़ोन का कम है और प्राइस को देखते हुए यहाँ पर जो फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यानी कि आपको 6 GB रैम का वेरिएंट देखने को मिल जाता है और साथ में आपको 6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 18:9 की। तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन मिलता है 2160x1080p का। साथ में आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 3410 mAh की और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फेस अनलॉकिंग। हालांकि इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे फेस अनलॉकिंग आपको देखने को उसमें मिल जाता है। तो अगर इसके अंदर मैं बात करूँ अगर चिपसेट के बारे में तो इसमें मीडियाटेक का हेलियो P60 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और इस सबसे अच्छी बात है कि अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे मैं आपको बताया जैसे एसोस फोन में हमने देखा था, एसोस फोन में आपको यानी कि 2 SIM इंसर्ट कर सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड भी, यानी कि 256 GB तक आप इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ उसके कैमरे के बारे में तो यहाँ पर आपको रियर कैमरा मिलता है। यहाँ पर डुअल रियर कैमरा सेटअप नहीं है, आपको फ्रंट में आपको जो रियर कैमरा मिलता है 30 MP का और फ्रंट में आपको मिलता है 8 MP का। दोनों ही फोन्स में आपको बुके इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। हाँ, बुके इफेक्ट इसका रियर कैमरे का काफ़ी ज़्यादा बेटर है बट फ्रंट कैमरे का थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके कैमरे के अंदर। तो गाइस अगर आपका बजट कम है तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं तो जिसके अंदर ये सब स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको 6 GB रैम का वेरिएंट मिलता है, 128 GB आपको रोम मिलती है, तो ये आप भी एक कंप्लीट पैकेज आपके लिए हो सकता है। तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट फोन हमारे पास जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी J6 जो आपको मिल जाता है 32 GB रोम के साथ और 3 GB आपको यहाँ पर रैम देखने को मिल जाती है। तो इस फोन की कुछ स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। तो इस फोन में आपको डिस्प्ले मिलती है 5.6 इंच की डिस्प्ले, साथ में आपको 13 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी आपको डुअल कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। 8 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। 3000 mAh की बैटरी है। तो आपको एक्सोनोस 8770 प्रोसेसर यहाँ पे आप देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं इस फ़ोन के बारे में बात करूँ तो ये फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइज अगर हम कंपेयर करते हैं रियलमी को, एसुस को या फिर रेडमी नोट 5 प्रो को, क्योंकि रेडमी नोट 5 प्रो का कैमरा काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। साथ में आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले यानी कि सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो एक यहाँ पे अच्छी बात है। 18:9 की डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल बेजल फ्री डिवाइस है। हालांकि सभी मिड रेंज फ़ोन जितने भी आ रहे हैं अभी सब बेजल फ्री ही आ रहे हैं 18:9 में, तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं किया सैमसंग ने, आपको वही सब मिल जाता है। बट हालांकि ये फ़ोन थोड़ा सा ओवर प्राइस है। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए इन पाँचों में, तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा रेडमी नोट 5 प्रो को। उसके अंदर आपको एक एडवांस चिपसेट मिलता है, एक एडवांस कैमरा मिलता है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा एसोस जेनफोन मैक्स प्रो को। तो इस फ़ोन के अंदर भी आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप 2 दिन का देखने को मिल जाता है, आपको डिसेंट परफॉर्मेंस कैमरे में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है एसोस जेनफोन मैक्स प्रो की वो भी काफ़ी बेहतर है, आपको देखने को मिल जाती है। एक अच्छा चिपसेट मिल जाता है आपको 625 जो शाओमी के हमने काफ़ी सारे फ़ोन में देखा है। तो ओवरऑल ये भी कंप्लीट पैकेज है, आप जा सकते हैं जेनफोन मैक्स के साथ भी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।